तो मेरा क्या है कि बच्चे होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, डिलीवरी यही 7-8 महीने की दिक्कत हो जाती थी। हाँ, बच्चे हो रहे थे लेकिन वही 6-7 महीने की डिलीवरी से ख़त्म हो जाते थे। हाँ, बस यही कहूँगा कि गुरुजी के चरणों में पड़ा रहूँ और ऐसे ही सेवा धाम की करता रहूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। नाम मूरत सिंह है भैया। ये बागेश्वर धाम से कब जुड़े थे आप? बागेश्वर धाम, वैसे तो मैं बचपन से यहीं के रहने वाला हूँ और ज़्यादातर मुझे याददाश्त वही 14-15-18 साल से है। बाकी जो दरबार लग रहा है महाराज जी का, तो इसके पहले मुझे कोई वैसे जानकारी नहीं थी। मान लो अब गुरु जी हमारे गांव के हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो मेरा क्या है कि बच्चे होने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, डिलीवरी यही 7-8 महीने की दिक्कत हो जाती थी। मतलब कब हुई थी शादी आपकी? शादी हुई थी मेरी वही 12 साल 10-12 साल पहले। जी, तो आपके बच्चे नहीं हो रहे? हाँ, बच्चे हो रहे थे लेकिन वही 6-7 महीने की डिलीवरी से ख़त्म हो जाते थे। हाँ, किसी कारणवश जो है। कारणवश जी जी तो अब वैसे तो मैंने इलाज इलाज ग्वालियर भोपाल जहाँ भी समझ में आया, जिसने सलाह दी तो वहाँ करवाया, लेकिन फिर जब गुरुजी का दरबार चालू ही होने लगा था उस टाइम से नया नया। मतलब गुरुजी जो है जब इतने फेमस नहीं थे जब से जुड़े? हाँ, मान लो फेमस नहीं थे उस टाइम, तो उस टाइम से हम जुड़े हैं। फिर गुरुजी ने पर्चा भी बनाया मेरा यहाँ की, मैंने पैसे भी की, तो भगवान की कृपा है बागेश्वर धाम की कि 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है एक बच्चा है। एक 5 साल का हो गया और एक 3 साल का है। जी, तो ये आपसे मिलके गुरुजी ने आपको मतलब आशीर्वाद दिया? जी, मिल गई आशीर्वाद दी उन्होंने। पर्चा बनाया था और यही कहा था लहसुन प्याज बंद कर देना और मंगलवार की पेशी करना। अर्जी लगाई थी जी? अर्जी लगाई थी। कलर की वो अर्जी लगाई थी? पर्चे में लिख के दिया था, जो पर्चा वो बनाते हैं। ये तो आपके सही बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी, एकदम कन्फर्म है जी। ये चमत्कार आपके साथ हुआ है? जी। और क्या चमत्कार सुने अब? और तो भाई जिसके साथ हो जाए वही बता सकता, बाकी तो यहाँ देखते हैं हम कि ऐसे यही घूमता चंदू जिसको बोलते, वो उसको मान लो वो मुंह नहीं बोल पाता था, तो यहीं बागेश्वर धाम की जयकारा लगाता है, घूमता है, परिक्रमा लगाता है यहाँ पर हैं, तो लोग बताते हैं। बाकी तो अब जिसके साथ अच्छा हुआ है या जो भी हुआ है वही बता सकते। मैं तो आप क्या करते? मैं यहाँ सेवा करता हूँ धाम की और अपनी यही दुकान वकानदारी है, यहीं पर रहता हूँ और जो भी है उनकी कृपा से तो यहीं सेवा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धक्के मार के बहुत जने निकाल दे रहे। लास्ट बार कब मिले थे आप गुरुजी से? अब वैसे लास्ट बार तो अभी दशहरा में ही मिलन हुआ है, दशहरा की राम रहीम हुई है, बाकी जब भी गुरुजी से मिलना होता है तो मिल जाते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बच्चे हैं आपके? जी, बच्चे हैं। करते क्या हैं? हम यही यहाँ ये अपना दुकान है यहाँ पे, चाय की स्टोर। हाँ, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह बेचते। देखिए, आपके गुरुजी जिन्होंने आशीर्वाद दिया था आपको, तब के धीरेन्द्र शास्त्री और अभी के धीरेन्द्र शास्त्री, क्या कोई बदलाव है? जी, बदलाव है ना, उस टाइम इतने लोग नहीं आते थे, इतना नाम बागेश्वर धाम का नहीं चल रहा था। नहीं, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, कहते हैं ना लोग थोड़ा भाव तो उनका लोग प्रधान बन गए तो उन्होंने बुलेरो निकाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आज भी वही हैं और पहले भी वही थे, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा पब्लिक के हिसाब से और वो हिसाब से मान लो कि दिक्कत है, बाकी हम लोग को कोई वो नहीं है, जब भी मिलना चाहें तो मिल भी जाते, लेकिन अब आज नियम जो हो गए उसके हिसाब से आज भी मिल जाते। कोई एटीट्यूड नहीं है? नहीं, कोई नहीं, नहीं अपने हिसाब से तो कोई। ये कह देते, कुछ लोग कह देते हैं सब प्री प्लांट होता है, पहले से तय होता है ये। अब ऐसा हमें समझ में नहीं है। हाँ, तो बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, पर अपने हिसाब से ऐसा नहीं हुआ आज तक। और अपन को तो जब मिलना होता कोई ज़रूरी काम पड़ जाए, इमरजेंसी, तो थोड़ा लाइन नहीं वगैरह या कुछ थोड़ी सी जानकारी देना पड़ता है। हाँ, पर जो नियम है वो फॉलो करके आराम से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंत में क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहूँगा कि गुरुजी के चरणों में पड़ा रहूँ और ऐसे ही सेवा धाम की करता रहूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बहुत अच्छा किया मेरे साथ और आगे जो भी आते हैं श्रद्धालु यहाँ उनके साथ भी अच्छा हो और उनके भी भगवान मनोकामना पूर्ण करे। जय बागेश्वर धाम।